नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किडी सुनग्रह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज़ एनोटेशंस, ओके मींस डायमेंशन। आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो आपको डायमेंशंस कैसे देना है, ओके उसके बारे में। अभी मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। ओके, कोई भी मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को इसका डायमेंशन चाहिए। यहाँ से आप डायमेंशन डायरेक्टली ले सकते हैं। तो कितना डायमेंशन है, अब मेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो डबल क्लिक करके यहाँ से उसका स्केल में 10 गुना कर देता हूँ। ओके, तो भी नहीं दिया। डी स्पेस मॉडिफाई, यहाँ से टेक्स है, टेक्स का स्केल में 2.5 कर देता हूँ। क्लोज कर दे, तो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो वापस उसको शॉर्टकट है डी स्पेस मॉडिफाई, अब मैं उसका स्केल कर देता हूँ 5। ओके, अब ओके करके देख लेता हूँ क्या होता है। तो भी यहाँ पे मेरे को ओके कम्प्लीटली नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो अब इसका स्केल कर देता हूँ 10। ओके, यहाँ पे हीरो फिट, ओके यहाँ से जो टेक्स अलाइनमेंट है उसको सेंटर में कर देता हूँ। ओके, यहाँ से दूसरा लाइन सेंटर, जो यहाँ से एरो का सेटिंग है, यहाँ से लाइन का सेटिंग होगी। अब मैं ओके करके क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई उसका डायमेंशन यहाँ पे आ गया। अब मेरे को ये दूसरी लाइन से उसका भी डायमेंशन, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करना है। अब आप ऐसे भी डायमेंशन दे सकते हैं, ओके उसकी जगह मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। इसके पर क्लिक करने के बाद आपको एक स्पेस दबा देना है। स्पेस दबाने के बाद जो जिसको डायमेंशन है उसको सिलेक्ट करना है। आप ऐसे डायरेक्टली इजीली डायमेंशन आप दे सकते। आपने कोई भी एक सर्कल द्वारा उसका डायमेंशन आपको देना है, तो यहाँ से उसका डायमीटर था आपको चाहिए, तो यहाँ से आप उसका डायमीटर माप लिख सकते। ओके, अदरवाइज आपका रेडियस माप चाहिए तो इसका रेडियस का भी आप यहाँ पे माप लिख सकते। ओके, और उसके बाद जो अलाइंस माप है, एंगल माप्स है, वो सभी माप इसमें आएगा। तो अलाइन माप्स है तो वो तो आपको पता, एक मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है। ओके, अब ये दोनों के बीच में कितना एंगल है मेरे को पता नहीं। तो आप यहाँ पे जो साइज है, अभी एंगल मेजरमेंट करना है, तो यहाँ से एंगल जो दो ही लाइन आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 का एंगल। ओके, अलाइंस माप है, उसका माप कितना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे आप अलाइन माप का माप भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसका भी इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी आइटम्स है, कोई भी वस्तु है, उसका आप इजीली डायमेंशन दे सकते। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे डायमेंशन कमांड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको डायमेंशन कमांड को पर क्लिक करना है, इसमें से आपको जिस डायमेंशन को जहाँ पे इसका यूज़ करना है वो सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ से जो पॉइंट सेलेक्ट करना है तो आप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल किडी सुनग्रह, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।